इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जुन्नार देव और लावा घोघरी पुलिस ने ट्रैक्टर किराए पर ले जाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल ये गिरोह ग्रामीण अंचलों में किसानों के ट्रैक्टरों को अपना निशाना बनाते थे, जिसके बाद उन्हें बेचकर फरार हो जाया करते थे। बुधवार को एसपी मनीष खत्री ने खुलासा करते हुए बताया कि ये गिरोह ट्रैक्टर वाहनों को उनके मालिक से किराए का एग्रीमेंट कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के साथ धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर बेच दिया करते थे। जुन्नारदेव और लावा घोघरी में लगातार ट्रैक्टर चोरी के मामले की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुखबिरों को सक्रिय किया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 13 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। शहर में आए दिन धोखाधड़ी और ठगी के मामले सामने आते जा रहे हैं, उसके बाद भी व्यापारी सजग नहीं है। एक ऐसा ही मामला नैयर फर्नीचर से सामने आया है, जहां कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति का फोन फर्नीचर दुकान के संचालक के पास आता है और वह कहता है कि मेरी कॉलोनी बन रही है, मुझे 100 LED चाहिए, 2 दिन बाद मेरा ऑटो आएगा, आपको वह चेक देगा और उसी में आप ऑर्डर पहुंचा दीजिएगा। जब तय बात के अनुसार उसका ऑर्डर सप्लाई कर दिया गया और दूसरे दिन चेक बैंक में डाला गया तो वह बाउंस हो गया। जब उसी नंबर में कॉल किया गया तो नंबर स्विच ऑफ आया और उसके बाद उक्त मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद मामले की जांच की जा रही है। चेक लगाना है, हमने दूसरे दिन चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उसका मोबाइल नंबर बंद था। तब मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ी अपने साथ हुई है। फिर मेरे एक पहचान वाले ने बताया कि भैया कुछ LED लोड होके बस में गई है। फिर महाकाल ट्रेवल्स में जब अपने जाके पता चला तो बोले कोई बंदा एक 25 LED लोड करके बाहर भोपाल ले गया है। तब मेरे को समझ में आया, फिर मैंने यहाँ आके रिपोर्ट लिखाया थाने में, तो उसकी अब कार्रवाई चल रही, जांच चल रही। ये द्वारा डील की गई और पूरा बिल और 25 LED टीवियां ऑटो में लोड करके भिजवाया गया। बदले में जो व्यक्ति आया था, सोन कुमार नाम अपना बताया था, उसने इनको चेक भी दिया गणेश यादव का। बाद में जब ये डिलीवर हो गई और गणेश यादव का चेक लगा तो चेक बाउंस भी हो गई, तो ये थोड़ा सोच में पड़ गए। इन्होंने उस नंबर में फ़ोन लगाने की कोशिश की किंतु फ़ोन नंबर बंद बताया। तो ये समझ में आया कि ये एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इनके साथ ये फ्रॉड किया गया है, ठगी की गई है। टीवियां जो 25 नग थी उनकी कीमत 1,67,500 रुपये है और उनके सभी बिल हमने प्राप्त किए हैं। तो 1,67,500 की जो ठगी हुई है उसमें हमने अपराध दर्ज कर लिया है। चौरी नगर में बुधवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद बल्टी विवेक साहू ने शिविर का जायजा लिया। शिविर में 1,134 मरीजों का पंजीयन किया गया, जिसमें 1,036 मरीजों का उपचार हुआ। अन्य इलाज के लिए 98 मरीजों को रेफर किया गया है। स्वास्थ्य शिविर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री साहू ने कहा कि दीन दुखियों और गरीबों की हम मदद ना करें तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के बीच पहुंचकर समस्या हल करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जांच के दौरान मरीज गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे तो उनके बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराया जाएगा। आए दिन हम सुनते हैं कि हाई बीपी या अन्य रिस्क वाली महिलाओं की प्रसव के दौरान गंभीर स्थिति बनी रहती है और जच्चा या बच्चा के प्राण संकट की स्थिति बनी या फिर उनकी मृत्यु भी हुई है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देख रेख हेतु जिला अस्पताल में अलग से व्यवस्था हो सके, इसके लिए पृथक वार्ड का आज शुभारंभ सांसद बल्टी विवेक साहू के द्वारा किया गया है। इसमें मुख्यतः हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं को और दूर दराज के क्षेत्र की महिलाओं को जिनका डिलीवरी डेट नजदीक हो उनको भर्ती करके उन्हें समुचित इलाज दिया जाएगा और वो विशेषज्ञों की देखरेख में रहेंगी। भाजपा नेता ने युवक को कार से रौंदकर घायल करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 युवकों को आरोपी बनाया है। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि घटना 17 अगस्त की है। यहां भाजपा नेता द्वारा पहले प्रमोद पिता लखन यादव को कार से टक्कर मारकर घायल किया गया, जिसके बाद नेताजी के साथ आए 3 और युवकों ने लाठी व पत्थर से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गांधी जी की प्रतिमा के चित्र पर पुष्प अर्जित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के सिद्धांत को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इसके उपरांत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता पर जोर देते हुए स्काउट एंड गाइड और बालाजी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
इस नाटक के माध्यम से बच्चों ने स्वच्छ भारत का संदेश दिया और उपस्थित लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान के अंत में रेलवे कर्मचारियों और अन्य उपस्थित लोगों ने मिलकर रेलवे स्टेशन की सफाई की। हमारे भारत में दो प्रकार के लोग हैं, एक बहुत पढ़े लिखे और एक पढ़े लिखे। तुम तो हमेशा उल्टी बातें करते हो। कांग्रेस सेवा दल द्वारा महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पैदल मार्च और वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस स्टेडियम से प्रारंभ होकर गांधी प्रतिमा, फव्वारा चौक और छोटा तालाब स्थित शास्त्री जी की प्रतिमा तक रैली निकाली गई। राष्ट्रगान वंदे मातरम और जन गण मन के साथ फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले और अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। संविदा प्रेरक शिक्षक संघ ने अपनी बहाली की मांग को लेकर शहर के जेल बगीचे में 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। संघ के सदस्यों ने रोजगार बहाली और उचित वेतनमान की मांग करते हुए उनकी सेवाएं कई वर्षों से बाधित हैं, जिसके चलते उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा है। शिक्षकों का कहना है कि वे वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने राज्य सरकार से अपील की है कि उनकी सेवाएं बहाल की जाएं, ताकि वे फिर से शिक्षण कार्य कर सकें और समाज में योगदान दे सकें। लंबित मांगों को लेकर आज 3 दिवसीय धरना प्रारंभ किए हैं, जिसमें हमारे प्रेरकों का बहाली संबंधित यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कि जिसमें हमारे प्रेरकों को बहाल किया जावे। यही हमारी सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि संविदा प्रेरक शिक्षक संघ को बहाली कर उन्हें पुनः कार्य पर लिया जावे।